आपातकाल पर उपजा की परिचर्चा। लोकतंत्र जीवंत हो तभी जिंदा रह सकता है राष्ट्र। आपातकाल के 46 वर्ष पूरे होने पर उपजा के बैनर तले लोकतंत्र खतरे में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने आपातकाल को लोकतंत्र के लिए कलंक बताया। कहा कि किसी भी राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र को जीवंत रखना बहुत आवश्यक होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने लोकतंत्र सेनानियों को नई आजादी का योद्धा बताया। उन्होंने राज नारायण लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए लोकतंत्र को समृद्ध और सुरक्षित रखने का कार्य जागरूक नागरिक ही कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी ने लोकतंत्र सेनानियों की मांगों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष रखने की बात कही। नगर निगम में सपा के सभासद दल के नेता राजेश अग्रवाल ने आपातकाल के दौरान बरेली और रोहिलखंड के लोकतंत्र सेनानियों की भूमिका को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि आज के लोकतंत्र सेनानी उस समय युवा और छात्र थे। कहा कि कोई भी क्रांति युवाओं के द्वारा ही होती है। लोकतंत्र सेनानी संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अटल ने आपातकाल के योद्धाओं को लोकतंत्र सेनानी नाम देने के लिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आभार जताया। साथ ही पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 प्रतिमा करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया। इसके अलावा दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव राजीव शांत ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा कि आपातकाल में यदि लोकतंत्र सेनानियों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज हमें बोलने की आज़ादी ही नहीं होती। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही लोकतंत्र सेनानियों को भी पूजनीय बताया। आज के दिन ही 46 साल पहले देश में आपातकाल लगा था और जैसा आप देख रहे हैं ये प्रेस क्लब की ओर से उपजा प्रेस क्लब बरेली की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हम लोगों ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया है। सम्मानित तो शब्द उचित नहीं है, हम सब ने उनका अभिनंदन किया है। वो सब बहुत बड़े हैं और उनके ही प्रयासों से दोबारा से देश में लोकतंत्र स्थापित हो सका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोकतंत्र रक्षक सेनानी जितना भी लोग थे उन सब के लिए माननीय वीरेंद्र अटल जी ने और सब लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और उसके बाद उन सबकी पेंशन भी बनी और उस सरकार में एक उनके लिए एक्ट भी पारित हुआ। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अगम मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री शमीम खान सुल्तानी साहब और समाज सेवी श्री सौरभ खन्ना जी और सब लोग, काफ़ी लोग मौजूद थे, उनका भी आभार व्यक्त किया गया कि उनकी सरकार में ये कार्य हुआ। तो यही प्रोग्राम था, धन्यवाद। आज उपजा प्रेस क्लब द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान करा गया है और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं उनका आज कोरोना वॉरियर्स का यहाँ सम्मान था, जिसमें हम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था और बड़ा गौरव महसूस हुआ यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके।